आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी। संसद हमले की 20वीं बरसी, आज पीएम मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कर्नाटक हादसे के बाद अब बदले जाएंगे वीआईपी फ्लाइंग के प्रोटोकॉल, वायुसेना की रिपोर्ट आने पर होंगे बड़े बदलाव। संजय राउत ने महिलाओं पर किया अभद्र टिप्पणी, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने दर्ज कराई एफआईआर। अब यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने उठाया मथुरा का मुद्दा, बोले बीजेपी दो लड़ाइयां जीत चुकी है, तीसरी भी जीतेगी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर जनपद चंदौली से है, जहां केंद्रीय विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नामकरण और 800 लोगों की क्षमता वाले आधुनिक प्रेक्षा गृह का लोकार्पण करने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर केंद्रीय विद्यालय, जो की पहले केंद्रीय विद्यालय मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, उसके परिसर में आधुनिक तरीके से बने प्रेक्षागृह का फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रेक्षागृह में बटन दबाकर प्रेक्षागृह के लिए जनता को समर्पित किया। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय परिसर में सभा को भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर महेंद्र पांडे ने संबोधित किया। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह योजना बना रही है प्ले स्कूल, आयु 3 से 5 तक, 3, 4, 5 में पहला कक्षा के पहले 3 साल सारे स्कूल में प्ले स्कूल खोला जाएगा। उसके लिए भारत सरकार वित्तीय प्रबंधन भी किया है समग्र शिक्षा अभियान के तहत। धीरे धीरे शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि के लिए पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी हो। आज हमारी शिक्षा ना केवल डिग्री दे, रोजगार की भी प्रशिक्षण दे, स्किल को वोकेशनल को भी पाठ्यक्रम के अंश राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए योजना बनाई। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकार्पण किया और विपक्ष पर हमला भी बोला संबोधन के दौरान। आपको बता दें कि सबसे पहले उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर केंद्र विद्यालय, जो कि पहले केंद्रीय विद्यालय मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, उसके परिसर में आधुनिक तरीके से बने प्रेक्षागृह का फीता काटकर उसका उद्घाटन किया। प्रेक्षागृह में बटन दबाकर प्रेक्षागृह के लिए जनता को समर्पित किया गया। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय परिसर में सभा को भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर महेंद्र पांडे ने संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने कानपुर के GIC ग्राउंड में सभा की, जहां ओवैसी ने सपा को तंज कसते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव मुस्लिमों के इतने ही हितैषी हैं, तो आजम खान के जेल में होने के पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। आजम खान इसलिए जेल में हैं और अखिलेश यादव इसलिए बाहर है क्योंकि मोदी की CBI अखिलेश यादव के साथ है, आजम खान के साथ नहीं, क्योंकि वो मुसलमान है। लखनऊ और दिल्ली में बैठे उन दलालों से कह रहा हूं, तुम्हें सिर्फ मुसलमानों को वोट देने का फिक्र है। कौशाम्बी में चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने थाना प्रयागराज में लिखित तहरीर देते हुए इस घटना की जानकारी दी और बताया कि कौशाम्बी से प्रयागराज अपने आवास जा रहे थे, इस दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया। एक ब्रेजा गाड़ी काफिले के पीछे लग गई और उनकी गाड़ी फॉर्च्यूनर के बराबर में करके अपनी स्पीड कम करके ओवरटेक नहीं किया, ब्रेकर से पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। इस मामले में FIR लिखाकर रास्ते के कैमरे को चेक कराकर इस घटना का पर्दाफाश करने की मांग की गई है।
तो कौशाम्बी के थाना प्रयागराज की घटना है, जहां चाल संजय कुमार पर जानलेवा हमला किया गया है। कौशाम्बी की घटना बताई जा रही है और उन्होंने बताया कि थाना प्रयागराज में लिखित तहरीर दे दी गई है इस बारे में, और बताया गया है कि कौशाम्बी से प्रयागराज अपने आवास जा रहे थे जब, तो इस दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया। संजय कुमार पर जानलेवा हमला किया गया है, इसकी उन्होंने शिकायत भी दर्ज करा दी है। एक ब्रेजा गाड़ी काफिले के पीछे लग गई और उनकी गाड़ी फॉर्च्यूनर के बराबर करके अपनी स्पीड कम करके ओवरटेक नहीं किया, ब्रेकर से पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया और इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। इस मामले में FIR भी लिख ली गई है और रास्ते में कैमरे को चेक कर इस घटना का पर्दाफाश करने की मांग भी की गई है। लखनऊ के सरकारी गल्ले की दुकानों में मुफ्त राशन बांटे जा रहे हैं कि कोठेदारों और ग्राहकों को देखकर लग रहा है कि वो अपने घर से राशन ग्राहकों को वितरित कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ग्राहकों के लिए उपहार में डबल राशन दिया है। जहां सरकार की सर्वर की समस्या के रही और ग्राहकों की लंबी कतारें भी देखने को मिली, इस दौरान कोठेदार पंकज अवस्थी और विक्की कोठेदार भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं, मैं इस समय पारा थाने अंतर्गत जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हूँ, जहाँ पर हमारे पीछे कोठेदार खड़े हैं और अपनी समस्या को लेकर के हमसे बात कुछ करना चाह रहे हैं। आइए जानना चाहते हैं वो किस तरह से हमसे अपनी समस्या को रूबरू होंगे। सर का नाम बताइए। अच्छा, क्या समस्या है सर की जिसके कारण ये इतने लोग यहाँ पर बिचारे खड़े हुए? समस्या कुछ नहीं है, बस ये है कि अपडेट हमारा जो मशीन में अपडेट नहीं हुआ है सामान, इस वजह से मशीन जो है राशन ओके नहीं रहा। अच्छा, इस वजह से जो है तकलीफ है। अच्छा अच्छा, ये समस्या जो हो रही है ये सिर्फ आज ही हुई है, आज से पहले भी हो रही है? पहले भी, आज ही। अच्छा, कितने संख्या में लोगों को राशन मिल गया, कितने संख्या में लोगों को वापस चले गए? अभी तो लगभग कितने बजे के आसपास ये समस्या हो रही है? सुबह से हो रही है, 8 बजे से। 8 बजे से। अच्छा, तो मतलब अभी इसकी सूचना अपने विभागों के अधिकारियों को दिया है? बिल्कुल दे दिया है, मगर चक्कर ये है कि वहाँ से अभी हमारा उठान थोड़ा रह गया है जी, बाकी दुकानों से जिसमें उठान हो चुका है उन दुकानों का माल बढ़ रहा है। अच्छा, बाकी हमारी जो कई और दुकानें हैं जिनमें उठान नहीं हो पाई, इस वजह से अपडेट नहीं हुई मशीन। समस्या सर यही है कि मशीन में आवंटन 0 दिखा रहा है जी, उसकी वजह से किसी भी राशन कार्ड को हम राशन वितरण नहीं कर सकते जी। इसकी सूचना हमने अधिकारियों को दे दी है जी, लेकिन अभी दोपहर होने को आई है सुबह से जी, आधे कार्ड धारक वापस चले गए, आधे खड़े हैं जी, क्योंकि चूंकि वो भी प्राइवेट काम करते हैं तो सुबह वेट करके वो चले गए, कल आने के लिए बोला है, अभी भी वेट कर रहे हैं, अगर सर्वर आता है तो फिर हम राशन देंगे जी। आवंटन ही 0 दिखा रहा है मशीन में, जो कि बराबर समस्या बनी। तो ये सर आज ही हुआ है या इससे पहले भी हो रहा था इस तरह? नहीं नहीं, आवंटन हमेशा दिखाता था, पहले सर्वर प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि आवंटन ही 0 दिखा रहा है जी। जो सर जब तक मशीन में आवंटन ही नहीं दिखाएगा तो फिर कोई भी कार से वितरण नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो वितरण की प्रणाली है उसमें क्या क्या खाद्यान्न जो है खाद्यान्न को देने के लिए आया हुआ? गेहूँ, चावल जी, 1 किलो चना, 1 किलो रिफाइंड और 1 किलो नमक का पैकेट जी। गेहूँ प्रति यूनिट है 5 किलो, 1 यूनिट पर 5 किलो राशन जी फ्री है। और जैसा कि ये भी आदेश जारी है कि दूसरे जिले के अगर उपभोक्ता है, दूसरे जिले के अगर उपभोक्ता है तो वो नोटिस हमने दरवाजे पे लगा रखी है, उनको सिर्फ गेहूँ चावल मिलेगा जी, उनको रिफाइंड चना और नमक का पैकेट उनको अपनी ही दुकान से मिलेगा। कितना नंबर? पंकज अवस्थी का नाम है, दुकानदार में उचित देता हूँ जी। और मेरी दुकान उसमें से सर्वर तो आ रहा है, बस उसमें राशन बिल बता रहा है जी जी, क्योंकि सो नहीं कर रहा, इसमें राशन दिखता नहीं होता। तो सर यहाँ पर सुबह फिर लोगों की काफ़ी तादाद, काफ़ी भीड़ आई थी और पब्लिक जा चुकी है, आधी ज़्यादा जा चुकी है जी, और चूँकि तो राशन सो नहीं कर रहा दे पा रहे। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने विभाग के अधिकारियों से बताया है? ऐसी दिक्कत है, अच्छा, तो मतलब कितनी देर में सही हो जाएगा और कितने समय में क्या इसका निराकरण? दोपहर तक ही हो जाएगा। अच्छा, दोपहर तक का आश्वासन दिया है। अच्छा, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा कि घुमा करके दिखाएं कि यहाँ पर कितनी पब्लिक इकट्ठा है राशन लेने के लिए आई। इसी क्रम में आपको बताते चलेंगे कि जब कोटेदार सर्वर की समस्या से स्वयं ही जूझ रहे हैं तो वह राशन क्या बांटेंगे, और जब विभागों को अधिकारियों को सूचना भी दी गई है तो वो सिर्फ केवल आश्वासन ही इनको दे रहे हैं कि अब सही हो जाएगा। मैं मानक नगर अंतर्गत श्याम नगर के कोटेदार सुंदरलाल जी के पास खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे भीड़ भी खड़ी हुई है, और यहाँ पर मैंने विजिट किया तो पता चला कि काफी जगह पर जो है सर्वर की समस्या है। आइए जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या इस तरह की असुविधा हो रही है या किसी प्रकार की कोई समस्या है इनको, आइए जानना चाहते हैं।
सर अपना नाम बताइए। सुंदरलाल। और जैसा कि मैंने यहाँ पर विजिट किया है तो कई जगह मुझे ये प्राप्त हुआ है कि सर्वर नहीं आ रहा है, जिससे काफी लोग सर्वर कम आता है, दुकान पर आ करके और बगैर राशन मिले ही वो वापस चले गए हैं। तो यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ पर कोई सब देखे जाते। अच्छा, तो मतलब यहाँ सर्वर आ रहा है सुबह? आ रहा है। अच्छा, मतलब और जगह जैसे हम गए थे वहाँ हमें पता चला सर्वर यहाँ बराबर आ रहा है, जो लोग को वापस होता कोई। अच्छा, मतलब यहाँ से सभी लोग जो है राशन लेकर जा रहे हैं। अच्छा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बांटने में या किसी विभाग से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। अच्छा, सभी लोग मतलब ले जा रहे हैं आराम से। यहाँ पर कोटेदार सुंदरलाल जी के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है, सभी कार्य हमारे अच्छे से चल रहे हैं। मैं गोरखपुर में भारी संख्या में जिला और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद प्रदर्शन को समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। अपनी मांग पूरी नहीं होने तक छात्र धरने पर बैठे रहेंगे। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पर पिछले 3 दिनों से चल रहे धरने को समाप्त करने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और छात्र कुलपति को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सर, प्रशासन इसके पहले भी आए थे कि हम आप लोगों की मांगों को रखेंगे, तो एक बार जब ये लोग आए थे तो हम इनका रिस्पेक्ट किए, चलिए प्रशासन के लोग हैं, और इन्होंने कहा कि ठीक है आपकी बातें मानी जाएगी। उसके बाद हम लोग धरने पे बैठे थे रात 11-12 बजे तक, लड़कियां हम लोगों के साथ थी। जब ये लोग जान गए लड़कियाँ हैं भारी संख्या में, तब प्रशासन आया। उसके बाद वहाँ पर हमारी मांगें जो रखी गई हैं, 3 मांगें इन्होंने मतलब वहाँ पर रखी गई थी। पहला कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो, और उसके बाद सिलेबस जो भी है उसे अकॉर्डिंग एग्जाम हो 2018 ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग। दूसरी मांग ये थी कि परीक्षा की रिजल्ट घोषित किया जाए, जिससे 2.5 साल हो चुके हैं जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनके लिए दूसरा वाला डेट डिक्लेयर किया जाए। ये सारी मांगें रखी गई थी। जब उसके बाद ये बोले ठीक है हो जाएगा, जब नहीं हुआ 48 घंटे का समय के बाद 72 घंटे जब हो गया, उसके बाद हम लोगों ने प्रशासन को दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया कि मतलब हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी उस टाइप से। तो हमने कहा इस चीज़ को, और एक मिनट, हमने जब इस बात को प्रशासन से बोला तो 72 घंटे बाद हमने फिर धरना प्रदर्शन किया, तब हमारे लिए एक दूसरी मांग आई, लेकिन प्रशासन आज ये कह रहे कि अब लखनऊ के सरकारी गल्ले की दुकानों में मुफ्त राशन बांटे जाने को लेकर अब नई समस्या सामने आई है। कोटेदार और ग्राहकों को देखकर लग रहा है कि वो अपने घर से राशन ग्राहकों को वितरित कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ग्राहकों के लिए उपहार में डबल राशन दिया है। जहां सर्वर की समस्या नहीं रही है और वहां से ग्राहकों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। इस दौरान कोटेदार पंकज अवस्थी और विक्की कोटेदार भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं, मैं इस समय पारा थाने अंतर्गत जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हूँ, जहाँ पर हमारे पीछे कोटेदार खड़े हैं और अपनी समस्या को लेकर के हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं। आइए जानना चाहते हैं वो किस तरह से हमसे अपनी समस्या को रूबरू होंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता वीरेन श्रीवास्तव जुड़े हैं। वीरेन, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा जब पहले ही दिन सरकार की तरफ से राशन वितरण किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि सभी केंद्रों पे लोगों को राशन मिलेगा, लेकिन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा लोगों को? मैं जब वहां पर पहुंचा हूं तो देखा हूं कि काफी लंबी कतारें देखने को मिली हैं और लोग जो है सुबह से ही अपने सारे कार्य को छोड़ करके सरकारी गल्ले की दुकान पर लाइन में लगे हुए हैं, परंतु वहां पर सर्वर की समस्या होने के कारण उन्हें ना तो राशन मिल पा रहा था और ना ही जो है उनकी जो मतलब जो वहां पर पहुंचे थे वो लोग राशन लेने के लिए, और भी लंबी कतारें में लोग तो वहां पर वो भी इंतजार ही कर रहे थे, और उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा था कोटेदार की तरफ से कि अभी सर्वर आ जाता है तो आपको राशन दिया जाएगा, परंतु सुबह से शाम हो गई लेकिन उनको जो है राशन नहीं मिला और वो निराश होकर के अपने गंतव्य स्थान को लौट गए। जी, तो जिस तरह से सर्वर की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो क्या पूरा दिन इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या वितरण नहीं हो पाया सही से? क्या सिर्फ एक ही केंद्र पर ऐसी समस्या रही कि अन्य केंद्रों पर भी देखने को मिली यही समस्या? नहीं, जैसा कि मतलब मैंने जब विजिट किया थाना कृष्णा नगर अंतर्गत पूरा नगर चौराहे पर पंकज अवस्थी जी के यहाँ, तो वहाँ पर पता चला कि सुबह 7:30 बजे उन्होंने दुकान खोल दी थी, परंतु जब वह दुकान खोले और उसके बाद ग्राहकों की लंबी लाइन उनको देखने को मिली तो सुबह से ही उनके दुकान पर सर्वर नहीं आ रहा था और जो है काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था। उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दिया लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला और बाकी कुछ नहीं। सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी को उन्होंने राशन भी नहीं बांटा। तो इस सर्वर की दिक्कत को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं वीरेंद्र?
जी, सर्वर की दिक्कतों को दूर करने के लिए सभी कोटेदार अपने जो एसोसिएशन इनका है वो अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को जो है लिखित में और जाकर के समस्या को बताएं, जिससे कि जो ग्राहक हैं उनके दुकानों पर पहुंच रहे हैं ये सारी चीजें बताएं। बताने के बाद जो है उनकी जो मांगे होंगी वो स्वतः ही पूरी की जाएंगी, क्योंकि इतना बड़ा जो है यह एसोसिएशन इनका है और बहुत ही मेहनत करके ये लोग कार्य भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, परंतु जब इनको सर्वर ही नहीं मिलेगा तो ये आगे क्या काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र श्रीवास्तव जुड़े थे लखनऊ से। बीस दिसंबर से अलीगढ़ में नुमाइश लगने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नुमाइश प्रदर्शनी में इस बार नए वेरिएंट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी। नुमाइश मैदान पहुंच रहे दुकानदारों का कहना है कि अभी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई है, बल्कि नुमाइश के इतिहास में पहली बार जिला प्रशासन की तरफ से नुमाइश में लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। इस बार नुमाइश में पहुंचने वाले लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर नुमाइश का लुत्फ उठा सकेंगे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। नितेश, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह का ये बाजार देखने को मिल रहा है, प्रदर्शनी देखने को मिल रही है इस नुमाइश में? शिखा, मैं आपको बता दूं, पहले की तरह इस बार भी अलीगढ़ में नुमाइश लगने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जी। और लेकिन नए वेरिएंट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी लाखों लोग उस नुमाइश में हिस्सा लेंगे और काफी तरीके की सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत तरीके के कार्यक्रम होते हैं और बहुत सारे अभिनेता नेता भी आते हैं जी। बहुत बड़ा एक वो होता है, तो इस वजह से लगता है कि नए वेरिएंट के बीच में और ये नुमाइश लगने जा रही है तो कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है जी। नितेश, जो खतरा कोरोना का है और उसको देखते हुए क्या दुकानदारों का कुछ कहना है, क्या वो सावधान नजर आ रहे हैं? दुकानदारों का, मेरी बात हुई थी दुकानदारों से, तो दुकानदारों का यही कहना है कि हमें अभी कोई भी गाइडलाइंस नहीं बताई गई है किस तरीके से हमें कार्य करना है आगे जी। गाइडलाइंस अगर बताई नहीं गई तो खुद भी तो सतर्क रहना चाहिए और दूसरों को जागरूक करना चाहिए। अगर आप देश के नागरिक है तो आपको खुद भी सतर्क होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पे? उन्होंने पूरी तैयारी कर दी है, मास्क की व्यवस्था है, सैनिटाइजर है, इस तरीके की उनकी अपनी व्यवस्थाएं करके चल रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी गाइडलाइंस नहीं बताई गई है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितेश जुड़े थे अलीगढ़ से। और इस खबर पे आनंद उपाध्याय का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी नुमाइश ग्राउंड में कोविड प्रोटोकॉल के साथ में पूरा चिकित्सा विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें मेडिकल हेल्थ की व्यवस्थाएं रहेंगी, चिकित्सा उपचार की व्यवस्थाएं रहेंगी, साथ ही कोविड से संबंधित थर्मा मीटर और इसके द्वारा चेक करने की पूरी व्यवस्था रखी जाएंगी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखी जाएगी और बाकी जितने भी हमारे विभिन्न प्रोग्राम होते हैं उनका भी डिस्प्ले वहाँ किया जाएगा। जैसा हमेशा लगती आई है गत वर्षों से, उससे भी अच्छी लग रही है और प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है जो पहली दफे होगी अलीगढ़ के लिए। लखनऊ में पीजीआई थाना क्षेत्र की पुलिस अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। आए दिन पीजीआई थाना अंतर्गत आए दिन अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जहां दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया और युवक को जमकर लोहे की रॉड से पीटा। वहीं पिटाई के बाद से युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया है। 5:30 बजे के आसपास हम लोगों को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी। कृष्णानगर में विजयनगर चौकी के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसको कुछ लोग गोली मारकर भाग गए हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, उस व्यक्ति को तुरंत लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया।
उनके पास एक आधार कार्ड मिला है जिनको उनकी पहचान हुई है, नाम है महेंद्र प्रताप। उनके दो पते लिखे हैं, एक काकोरी का और एक सादतगंज का। मौके से हमको मोबाइल फोन की भी बरामद की गई है। शिनाख्त हो गई है, उनकी जो बुलेट से इंजरी थी उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। तमाम टीम इसमें लगा दी गई है, फोरेंसिक की टीम को बुला लिया गया है घटनास्थल की प्रोसेसिंग के लिए, और इसमें रूट और CCTV खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसमें घटना में जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने गोली मारी है अपराधियों की शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लगभग 5:30 बजे के आसपास हम लोगों को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी, कृष्णा नगर में विजय नगर चौकी के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसको कुछ लोग गोली मारकर भाग रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, उस व्यक्ति को तुरंत लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया। उनके पास एक आधार कार्ड मिला है जिनको उनकी पहचान हुई है, नाम है महेंद्र प्रताप। उनके दो पते लिखे हैं, एक काकोरी का और एक सादतगंज का। मौके से हमको मोबाइल फोन की भी बरामद की गई है। शिनाख्त हो गई है, उनकी जो बुलेट से इंजरी थी उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। तमाम टीम इसमें लगा दी गई है, फोरेंसिक की टीम को बुला लिया गया है घटनास्थल की प्रोसेसिंग के लिए, और इसमें रूट और CCTV खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसमें घटना में जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने गोली मारी है अपराधियों की। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता वीरेन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। वीरेन, क्या है पूरा मामला, किस वजह से हुई ये घटना? बताना चाह रहा हूँ कि कृष्णा नगर अंतर्गत विजयनगर पुलिस चौकी के चंद कदम दूरी पर ये जो युवक है जिनको गोली मारी गई है, वह प्राप्त सूत्रों से जानकारी ये मिली थी कि वहां पर वह मकान जो है तुड़वा रहे थे और तुड़वाने का वो कार्य कर रहे थे। अचानक से उनके पास बाइक सवार युवक आते हैं और उनको जो है गोलियों की बौछार कर देते, जिससे आनंद फानन में वहां पर चारों तरफ कौतूहल का वातावरण हो जाता है और उनको आसपास के परिजन निकट के अस्पताल जो है लोग बंधु लेकर के जाते हैं, जिससे वहां पर डॉक्टर के उपचार का सिलसिला जारी हो जाता है और वहां पर कुछ ही क्षण में उनको बता दिया जाता है कि यह मृत घोषित हो गए हैं और वहां से सारी रिपोर्ट जो है स्पष्ट कर दी जाती है। जी, तो पुलिस अब इस मामले में क्या कर रही है, जिस तरह की दबंगई देखने को मिल रही है और युवक की जान भी चली गई है, तो पुलिस अब क्या एक्शन ले रही है? पुलिस तो देखिए सबसे बड़ी चीज है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस का रोल जो होता है वह बाद का होता है, क्योंकि जब घटना घट जाती है उसके बाद वो फॉर्मेलिटी करने के लिए सिर्फ वहां अपना कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए वहां पहुंचती है और आश्वासन के जो है बातों से वह पुल बना देते हैं और वह कहीं ना कहीं ये अपने आप को लचीलापन पा रहे हैं और वह अपराध को अंकुश लगाने में असफल साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता वीरेन श्रीवास्तव जुड़े थे लखनऊ से। आगरा के थाना जगदीशपुरा के बिचपुरी से सिलेंडर लीकेज के चलते एक घर में चाय बनाते वक्त आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आग लगने का कारण सिलेंडर लीकेज बताया जा रहा है। तभी अचानक उसमें आग लग गई। आग लगने के कारण जल्दी बचाने के लिए गांव के लोग भागे हैं, तो परिवार के जो अंदर फंसे हुए थे कमरे में उनको जो आग लगी है लपटे की वजह से फ्रिज टीवी वगैरह कमरा बेड फेड सब जल गया। उसे बचाने के लिए जब गए हैं तो जो बचाने वाले झुलस गए हैं उनके 6 लोग कम से कम। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, किस वजह से बताया जा रहा है और लीकेज कितने वक्त से हो रहा था सिलेंडर, अगर लीकेज हो रहा था तो उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया घर वालों के द्वारा? जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि ये आगरा के थाना जगदीशपुरा की बिचपुरी का ये पूरा मामला है, जहां एक घर के अंदर पिछले 10 दिनों से लगातार सिलेंडर लीकेज था, जिसकी उन्होंने सूचना जो हकर था उसको भी दी, जिसके द्वारा सिलेंडर लाया गया था। बावजूद उसके 10 दिन के जब उनकी सूचना दे दी, उसके बावजूद भी हकर के द्वारा कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाया गया, जिस तरह की जो लीकेज की जो समस्या थी उसका समाधान किया जा सकता था। तो उसी लीकेज के द्वारा आज चाय बनाते समय ये घटना कारित हो गई है और ये घटना होने के बाद में वहाँ जब पूरे घर में जब गैस जो लीक होने के बाद फैल चुकी थी,
तो वो आग लग गई। जब आग लग गई तो उसमें 6 लोग जो घर के अंदर मौजूद थे, इसमें 2 बच्चे भी थे, उसमें बुरी तरह से झुलस गई। जी जी, तो अब घायलों की हालत कैसी है ममता? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह जो घायलों की हालत है, फिलहाल स्थिति काबू में ले ली गई है, जो कि निजी अस्पताल में चूंकि इलाज चल रहा था। देखा जा रहा है कि जहां सरकारी हॉस्पिटल की जहां बात करें तो सरकारी हॉस्पिटलों में लापरवाही के कई मामले पहले भी आ चुके हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने निजी अस्पताल में इन सब ये पूरी घटना के बाद में जो अपना इलाज था परिजनों ने निजी अस्पताल में कराया, तो उसके बाद में फिलहाल स्थिति सामान्य है। और 6 लोगों का, जो 6 लोग सदस्य थे, 2 बच्चे जो कि मैंने बताया शामिल थे, अभी फिलहाल में स्थिति ठीक है। जी ममता, जो सिलेंडर लीक होने की वजह से ये हादसा हुआ है, तो क्या इसमें आस पड़ोस के घर को भी क्षति पहुंची है? जी बिल्कुल, जिस तरह के मैंने बताया कि घर में पूरी तरह आग लग चुकी थी, जी, तो उसी को अपने अपने बड़ों के द्वारा जो सामान का बचाव करा जा रहा था और बच्चों का भी बचाव करा जा रहा था, चूंकि 2 बच्चे भी घर के अंदर मौजूद थे, मिलाकर 6 सदस्य झुलसे, तो उसने जिस तरह देखा जा रहा था पूरा सामान वहां जल के राख हो गया था। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। फरुखाबाद में पति के साथ बाइक से ससुराल जा रही विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे CHC कायमगंज से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरअसल पति पत्नी में आपसी विवाद चल रहा था, वहीं होश में आने पर रुकमणी ने आरोप लगाया कि उसका पति शैलेंद्र शराब पीने का आदी है और वो आए दिन नशे में उसके साथ मारपीट करता था, जिसके चलते वो जाना नहीं चाह रही थी साथ और उसने ये कदम उठाया। अभी हमारे पास कायमगंज CHC से रेफर होकर एक महिला आई थी रुकमणी नाम की, जिसकी उम्र रही होगी 25-26 साल, और जिसके हस्बैंड का नाम शैलेंद्र था और वो कहीं दीपपुर नगरिया थाना कायमगंज की निवासी थी, और CHC के कायमगंज के द्वारा मेरे पास भेजा गया था। उसका पूरा ट्रीटमेंट उसको देने के बाद अभी पेशेंट स्टेबल कंडीशन में हमारे यहाँ भर्ती है, उसका उपचार जारी है। वो मैं मारता था, पीटता दारू पी के, मेरी बेइज्जती करता, जब से शादी हुई तब से मेरी कोई इज्जत नहीं की उसने। आज हमने उससे मैं पहले ही मना कर दिया, मैं अगर तुम लेने आओगे तो हम पैर जहर खा लेंगे, हमें मत लेने आओ। मेरे मोबाइल में सब सबूत है उसके, मैसेज करे उसने। कहाँ ले उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।